और ये लेंथर की मस्जिदें बनाकर पंखे घुमाना इसके ऊपर और ये ट्यूबलाइटें लगाना, क्या है कुरान करीम में इसके मुतालिक सराहत के साथ? हालांकि कुरान करीम में सब कुछ है, तिबियान अल्ले कुल्ले शही, इसमें हर चीज़ का बयान है। जब ये बत्तियां, ट्यूबलाइट, ये पंखे, एसी, और बिरयानियां, जर्दे, पुलाव, कौरमे, ये सब अगर हैं तो ये खत्म कादरिया भी है। तो इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो गलत हो, नाजायज हो, अच्छे काम है। फिर तो हम बहुत सारे नात शरीफ उर्दू में पढ़ते हैं, तो ये अब बोलोगे हदीस में ये नात जो तुमने पढ़ी उनके जो गुलाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए, ये शेर इसी आयत में दिखाओ। तो फिर मैं ये कहूँगा कि तुम जो एतराज कर रहे हो, ये एतराज का तरीका कुरान की कौन सी आयत से साबित है? यूं मतलब, तो जिस काम को शरीयत ने मना नहीं किया वो जायज है। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सारे तरीके तुसा मलबिया नु सिखाए हैं। दुए हैं जिन्हां दा दुआ कारोबार है, कोई उन्होंने आके उस्ताद जी प्यो मर गया साडा ते खत्म पढ़ावणा है, वो पहले पूछदा है कितने आला पढ़ावणा है। यानी पैसे ढेर दे से तो जल्दी बख्शी वही सी, ये थोड़े दी तो नहीं तो मुड़ जहन्नम दे बूहे तू हटावणा पवसी। देखिया मौलविया दिया चाला कैसा भोली आवाम नो लुट लुट के खा खा के जहन्नम दे दुम्बे बड़े पे। ओ लाहौरियो अपने ईमान नाल दसो, अपनी जिंदगी दे अंदर इस बाडी आला अज तोड़ी मौलवी तुसा डिठा है? माशाल्लाह डबल होंदे ना उन्हां दे, आगे दा पता लगदा है तेरा।